शामली में कोतवाली पहुंचे एक कपल ने लव मैरिज करने की जानकारी देते हुए एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कपल ने बताया कि लव मैरिज से लड़की के परिवार के लोग खफा हैं, जो अब गाजियाबाद पुलिस से सांठगांठ कर उन्हें धमकी दिलवा रहे हैं। एसपी ने शामली कोतवाली पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गाजियाबाद निवासी दीपा शामली के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी अनमोल शर्मा के साथ कोतवाली पहुंची। युवक ने बताया कि उसने हाल ही में परिजनों की रजामंदी के बगैर अनमोल से लव मैरिज की है, लेकिन ऐसा करने से उसके परिवार वाले खफा हो गए हैं। लड़की ने बताया कि वो बालिग है और इसके बावजूद भी परिवार के लोग गाजियाबाद पुलिस से सांठगांठ कर उन्हें धमकी दिलवा रहे हैं। लड़की ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मायके वालों से जान को खतरा बताया है। एसपी अभिषेक ने प्रकरण में शामली कोतवाली पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद शामली कोतवाली पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। क्या नाम है आपका? दीपा तिवारी। दीपा जी, आप यहाँ पे आए एसपी ऑफिस पे, क्या पूरा मामला है जी? हमने लव मैरिज की थी अपने फैमिली के खिलाफ जाके, मैंने तो हम अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने आए यहाँ पे, क्योंकि मेरे फैमिली वालों से खतरा है हम दोनों को, मेरे पति को और मुझे। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है आप? कब की थी आपने? गाजियाबाद की रहने वाली, 16 जनवरी को हमने शादी की। कहाँ पर की थी शादी? कवि नगर। अच्छा, कोर्ट मैरिज किया था क्या? हाँ जी, कोर्ट मैरिज किया था। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या है कि मेरे फैमिली वाले अब हमें धमका रहे हैं कि हम अरेस्ट करवा देंगे, उनसे हमें खतरा है। तो अब क्या मांग है आपकी? ये मांग है कि हम दोनों की सुरक्षा बस। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।